सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है साधन सारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स का मोस्ट इंपोर्टेंट सम जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में सेक्शन सी में पूछा आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस सम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व आउट किया था। आई होप सो कि वो लेक्चर आपको सभी को समझ में आया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आपकी गुजरात बोर्ड जो एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर सेक्शन सी में एक सम जो है पूछा था 3 मार्क्स का ये सम है, ठीक है। तो ध्यान से ये सम सीखेगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एग्जांपल नंबर 9 को, 9 का सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x रेस्ट टू 4 -3x का क्यूब -3x स्क्वायर +6x -2। हमें यहां पर एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है 2x रेस्ट टू 4 -3x का क्यूब -3x का स्क्वायर +6x -2। यह हमें एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है जिसे हम क्या मान लेंगे, px, दैट इज पॉलीनोमियल ऑफ px। यह हमें px दिया हुआ है। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड -√2। दो जीरोस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है -√2। अब हमने इससे पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि सबसे हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने जीरोस होते हैं। यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4, तो जीरोस भी कितने होना चाहिए, 4। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो जीरोस दिए हुए, एक दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है -√2। तो जो बाकी के दो जीरोस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार स्टेप में ये सम होगा। स्टेप नंबर 1, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें पीएक्स फाइंड करना है कि पीएक्स क्या होगा। तो पीएक्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमें पीएक्स फाइंड करना है जो px से हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2, अच्छा हम कभी भी डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास अंदर की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं डिवाइडेंड और इसे px भी बोला जाता है। अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो बाहर हमारे पास डिवाइजर होना चाहिए। डिवाइजर का मतलब हमारे पास gx होना चाहिए। तो अगर आप लोग सम के अंदर ध्यान दोगे तो हमारे पास px दिया हुआ है, ठीक है। हमें तीसरे स्टेप में डिवाइड करना है तो हमें px चाहिए और बाहर लिखने वाला gx चाहिए। तो px तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास क्या है, gx नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, gx। gx कैसे फाइंड आउट होगा, हमारे पास दो जीरोस है, एक दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है -√2। ये दोनों के साथ हमें x लगाना है। क्या लगाना है, x, x प्लस √2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट x -√2, ठीक है। लगा दिया, ये जो दो जीरोस दिए हुए थे एक के साथ, दोनों के साथ हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। x ये प्लस में था तो x प्लस √2, ये माइनस में है तो x -√2। अब दोनों ब्रैकेट के ऊपर आप लोग ध्यान दो तो ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। कभी भी इस टाइप का ब्रैकेट आए कि दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम हो, सिर्फ डिफरेंस
प्लस का या माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वाले टर्म के साथ करते हैं, सेकंड वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकंड वाले टर्म के साथ करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये रूट टू और ये रूट टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, अब यहां पर जीएक्स के ऊपर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जीएक्स जो है ये हमारा करेक्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट नहीं आता है, एक्स स्क्वायर के बाद वन डिग्री वाला टर्म आता है जो हमारे पास गायब है, हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा सही। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल गया, जी एक्स मिल गया। वापिस एक बार स्टेप रिपीट करता हूं, स्टेप नंबर वन में हमें क्या फाइंड करना है, पी एक्स, ये रहा पी एक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। ठीक है, स्टेप नंबर टू में हम जब डिवीजन करते हैं तो अंदर की तरफ जो है हमारा पी एक्स लिखाता है और बाहर की तरफ हमारे पास जी एक्स होता है। अब स्टेप नंबर तीन में हमें डिवाइड करना है तो हमारे पास पी एक्स होना चाहिए और बाहर की तरफ जी एक्स होना चाहिए, तो पी एक्स तो मिल गया लेकिन हमारे पास जी एक्स नहीं था, तो हम स्टेप नंबर टू में क्या फाइंड आउट करेंगे, जी एक्स फाइंड करेंगे। जी एक्स मिलेगा कैसे, तो जी एक्स जो होगा हमारा वो ये वैल्यू के ऊपर से हमारे को मिलेगा, यहाँ पर रूट टू है और यहाँ पर माइनस रूट टू है, तो दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, यहाँ पर एक्स और ये प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू हो गया, दूसरा है हमारे पास माइनस रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू, दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए। अब दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस रूट टू और रूट टू क्या हो गया टू हो गया। ठीक है, ओके, अब ये जो हमारे पास जी एक्स मिला ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टू है, उसके बाद वन डिग्री वाला टर्म और उसके बाद कॉन्स्टेंट आना चाहिए जो हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका हम अरेंज करेंगे, पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद वन डिग्री वाला टर्म गायब है तो प्लस जीरो एक्स लगा दिया, ऊपर डिग्री वन हो गई, यहाँ पर माइनस टू, तो हमें क्या मिल गया जी एक्स मिल गया। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन जब हम करते हैं तो अंदर की तरफ हम px लिखते हैं और बाहर की तरफ हम gx लिखते हैं, px हमारे पास ये रहा, ठीक है, अंदर की तरफ हम px लिखते हैं वो हमारे को मिल गया, और स्टेप नंबर टू में हमने क्या किया, gx इज इक्वल टू gx फाइंड आउट करना था, हमारे पास दो जीरोस थे, एक था हमारे पास प्लस रूट टू और एक था हमारे पास माइनस रूट टू, तो दोनों के साथ क्या लगा देने का x, x प्लस रूट टू एक ब्रेकेट, x माइनस रूट टू दूसरा ब्रेकेट। अब इस ब्रेकेट को सॉल्व कैसे किया हमने, दोनों ब्रेकेट एग्जैक्टली सेम थे, डिफरेंस किसका था, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ सेकेंड का सेकेंड के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया x स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस रूट टू और रूट टू ये क्या हो गया हमारे पास टू हो गया। अंडरस्टैंड, उसके बाद ये जो करेक्ट नहीं थी इसको हमने अरेंज किया, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस टू, ये हमें क्या मिल गया जी एक्स, हमें जी एक्स चाहिए बाहर, वो हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर टू में फाइंड आउट कर लिया, जी एक्स की वैल्यू हम वहां रख देंगे। अब हमने डिवीजन करना सीखा है, सेम बनाओ, साइन देखो, मल्टीप्लाई करो, यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है टू एक्स रेस टू फोर, ये वाले टर्म को ये वाले टर्म के साथ सेम बनाना है, यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास टू एक्स रेस टू फोर, इसे इसके जैसा हमें बनाने का है। सबसे पहले एक्स देखो, यहां पर एक्स कितना है चार, यहां पर एक्स कितना है दो,
कितने एक्स चाहिए हमें, दो एक्स और चाहिए। ओके, यहां पर कोएफिशिएंट कितना है, दो, यहां पर कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, टू भी चाहिए। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर को टू एक्स रेस टू फोर, एक्स स्क्वायर को टू एक्स रेस टू फोर के जैसा बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक टू चाहिए और एक्स के ऊपर कितने डिग्री चाहिए, टू डिग्री चाहिए। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ। लिख दिया हमने, ओके ना, और ये वाले टर्म को वैसा का वैसा हम क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं। अब सेकंड स्टेप पे हम देखते हैं साइन, यहां पर प्लस की साइन, यहां पर प्लस की साइन, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो जीरो एक्स उसका मल्टीप्लाई टू एक्स के स्क्वायर के साथ, तो जीरो एक्स मल्टीप्लाई बाय टू एक्स का स्क्वायर। मैंने सिखाया हूं आप लोगों को नंबर का नंबर के साथ और एक्स का एक्स के साथ, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टू क्या होगा, जीरो, और एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। जब एक्स वाले टर्म मल्टीप्लाई होते हैं ना तो ऊपर डिग्री चढ़ती है, ठीक है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब होगा। पहले तो हमको जीरो एक्स को वो टू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो एक्स मल्टीप्लाई बाय टू एक्स स्क्वायर, जीरो को टू से किया, जीरो और टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई जीरो हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, जीरो एक्स का क्यूब, उसको हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास क्या आ गई, साइन आ गई, यहां पर माइनस की साइन, यहां पर प्लस की साइन, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वापिस से मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई बाय टू एक्स स्क्वायर, तो टू टू जा क्या हो गया, फोर, और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गए। चले हमें इसको भी सोल्व करना है, इसे भी सोल्व आउट करना है। ये हमें दिया हुआ है ऊपर की तरफ माइनस थ्री एक्स का क्यूब, ऊपर हमें माइनस थ्री एक्स का क्यूब दिया हुआ है, नीचे प्लस और माइनस माइनस, और ये जीरो एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब क्या होंगे, एक्स क्यूब होगा। अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तीन और जीरो क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएगा, बड़ा कौन है दोनों के अंदर, तीन, तो वहां साइन कौन सी आएगी, माइनस की। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस थ्री एक्स का क्यूब। अब हमें ये वाले टर्म को सोल्व आउट करना है, हमें दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस फोर एक्स का स्क्वायर। चलिए सोल्व शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, चार में से तीन गए तो कितना बचेगा, एक, बड़ा कौन है यहां पर, फोर, फोर के आगे साइन कौन सी है, प्लस की, तो वहां पे लिख दूंगा मैं प्लस वन एक्स का स्क्वायर। अच्छा अगर वन हो तो वन को हमें लिखना नहीं है, ठीक है। अब ये जो टर्म दिए हुए इसे हम नीचे उतार देंगे, ये जो सिक्स एक्स था हमने क्या किया, इसे नीचे उतार दिया, एक बिल्डिंग पूरी हो गई ना। सेकंड ब्लॉक पे हम वापिस आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वापिस से रिपीट करेंगे, सेम बनाएंगे, फर्स्ट टर्म को साइन देखेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट टर्म, दूसरी वाली बिल्डिंग का फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस थ्री एक्स का क्यूब, इसे इसके जैसा बनाना है, यहां पर माइनस की साइन नहीं है, यहां पर माइनस की साइन दी हुई है, तो क्या चाहिए हमें, माइनस चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर एक्स की कितनी वैल्यू है, दो, और यहां पर एक्स की कितनी है, तीन, मतलब कि एक एक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहिए हमें, एक्स आ गया। यहां पर थ्री नहीं दिया हुआ है, यहां पर थ्री दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, थ्री भी चाहिए, तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, माइनस थ्री एक्स की, इसे हम क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ माइनस थ्री एक्स। अब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को सेम बनाया है ना, फिर उस टर्म की मदद से हमने ये वाले को सॉल्व किया। अब जब दूसरी बिल्डिंग आई हमारी, तो इसको हमने इसके जैसा सेम बनाया और टर्म को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस टर्म को हमने हेल्प से जो सेकंड वाली बिल्डिंग है इसे हम सोल्व आउट करेंगे और इसको सेम टू सेम नीचे उतार देते हैं, ओके। नाउ साइन देखेंगे, प्लस और यहां पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस,
अब मल्टीप्लाई 0x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3x के साथ, 0x मल्टीप्लाई बाय 3x। नाउ नंबर का नंबर के साथ 0 इंटू 3 क्या होगा 0, x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा x स्क्वायर। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0x का स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या आ गई बेटा, साइन आ गई, वापिस से साइन देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां पर 2 है यहां पर 3x है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 3 सा 6 और x का x, माइनस माइनस माइनस। चलो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ओके ये दोनों देखो यहां पर प्लस 6x और प्लस और माइनस माइनस 6x तो ये दोनों भी कट हो गए। चलो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में और माइनस माइनस प्लस 0x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 होता है, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं, ये तो हम क्या समझेंगे 1, यहां पर 1 प्लस 0 क्या होगा 1 आएगा, वापिस से उतार देते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर, तो इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा माइनस 2, ये वाला टर्म तो कट हो गया, हमारे पास क्या बचा माइनस 2। चलिए अब इसे हम सॉल्व आउट कर दे, ठीक है चलो देखो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम है एग्जैक्टली सेम है, ना तो डिग्री की जरूरत है, ना एक्स वाले टर्म की, ना कोएफिशिएंट की, ना साइन की, दोनों टर्म एग्जैक्टली कैसे हमारे पास सेम है, जब दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम होते हैं तो हमें क्या करने का प्लस 1 लगा देने का, ठीक है यहां पर भी एक्स स्क्वायर यहां पर भी एक्स स्क्वायर, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने क्या लगा दिया प्लस 1, और ये वाले टर्म को सेम टू सेम एज इट इज हम क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। अब यहां पर कुछ बच्चे गलती कर दिए थे लास्ट टाइम, क्या गलती करे थे आप लोगों ने, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसके बाद ये हमारे पास एक्स वाला टर्म है, तो ये टर्म जो गायब हो गया मतलब कि कट हो गया। अब उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट टर्म उतार दिया, अगर ये इक्वेशन आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाला सही है, उसके बाद एक्स वाला टर्म आना चाहिए जो हमने क्या कर दिया कट कर दिया क्योंकि वो कट हो रहे थे। तब सॉल्व कैसे करने का, तो पहले तो इसे सॉल्व किया ये आंसर आ गया माना, अब यहां पर एक्स वाला टर्म कट हो चुका है मतलब कि ये जो एक्स वाला टर्म है ये हमारा कट हो चुका है, तो इसे क्या करने का हमें स्किप कर देने का, इसे हमें मल्टीप्लाई में या साइन इसकी हमें देखने की नहीं, तो एक्स स्क्वायर यहां पर भी था एक्स स्क्वायर यहां पर भी था, किसी भी तरीके का हमारे पास जो है कमी नहीं पड़ रही थी, हमने क्या लिखा प्लस 1, ओके और ये वाले टर्म को हमने नीचे उतार दिया। उसके बाद जो एक्स वाला टर्म है वो हमारा कट हो गया, तो ये जो एक्स वाला टर्म है इसे हमें गिनने का नहीं, इसकी साइन और ये वाले टर्म को छोड़ दो और उसके बाद वाले यहां पर जो दिया हुआ है ये साइन को हमें देखने का, ना तो इसकी साइन देखने की ना तो इसे मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि यहां पर जो x वाला टर्म है वो कट हो चुका है, दैट्स व्हाई हम इसकी साइन भी नहीं देखेंगे और इसका टर्म भी नहीं देखेंगे, हमने x स्क्वायर को सॉल्व आउट किया उसके बाद डायरेक्ट किस पे चल जाएंगे हम कांस्टेंट वाले टर्म के ऊपर, ठीक है यहां माइनस यहां पर प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके नाउ 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बन जा 2 माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गए, ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये दोनों भी कट हो गए। चलिए समझ में आए इतना, तो हमें qx यानी कि ऊपर की तरफ क्या मिला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, हमारे पास px ये रहा gx ये रहा qx हमें ये मिला और हमारे पास rx रिमाइंडर वो कितना है 0। चलो आई होप सो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 1 में हमने px ढूंढा, वो px हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। स्टेप नंबर 2 में हमने gx ढूंढा, gx कैसे मिलेगा हमें, यहां पर जो हमारे पास एक रूट 2 है और एक माइनस रूट 2 है तो दोनों के साथ हमने क्या लगा दिया x लगा दिया, x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2, ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया x स्क्वायर माइनस 2 हमारा आंसर आया। अब ये इक्वेशन सही नहीं थी, इसे सही करा हमने, सही कैसे किया हमने, यहाँ पर x स्क्वायर उसके बाद 1 डिग्री वाला टर्म गायब था तो प्लस 0x और माइनस 2 का माइनस 2। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है डिवीजन करना है, तो अंदर की तरफ हमने px लिखा बाहर की तरफ हमने gx लिखा,
आप सभी को डिवीजन करते बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपने यहां तक सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो टर्म है ये वाला थर्ड नंबर का, इस पे आपको ध्यान रखना है कि आप लोग यहां पर जब सॉल्व करते हो तो एक्स क्यूब वाला टर्म भी कट हो गया और जो एक्स डिग्री वाला टर्म था वो भी कट हो गया। ओके, यहां पर हमारे पास इसे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर आया, ये वाला टर्म हमारा कट हो गया, उसके बाद हमने माइनस टू को नीचे उतारा। अब जब तीसरी बिल्डिंग हम सॉल्व आउट करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर, कुछ भी कम नहीं पड़ रहा, एग्जैक्टली सब कुछ कैसे है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, सेम है, तो हम क्या लगा देंगे प्लस वन और इसे हमने नीचे उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी डिग्री वाला होना चाहिए था, वन डिग्री वाला, यानी कि एक्स वाला टर्म, लेकिन यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन है इसे भी छोड़ देंगे और जो जीरो एक्स वाला टर्म है इसे भी छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये जो माइनस टू वाला टर्म है इसे हम सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसको सेम बनाया, इसके जैसा कुछ भी नहीं कम पड़ रहा था, सब कुछ सेम था, तो प्लस वन और इसे एज इट इज नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर ये एक्स वाला टर्म कट हो चुका है, ठीक है, एक्स वाला टर्म हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्लस का जो साइन है ये भी स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो टर्म है वन डिग्री वाला उसे भी छोड़ देंगे, उसे काउंट में लेंगे नहीं, डायरेक्टली जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस टू और वन, टू वन का टू, ये दोनों कट हो गए, आंसर हमारा जीरो। qx हमें मिला ऊपर वाला टर्म और gx हमें मिला, rx हमें मिला नीचे वाला टर्म जीरो। अब स्टेप नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर फोर में हमें करना क्या है, स्टेप नंबर फोर में हमें जो qx मिला है qx को हमें क्या करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। qx देखो हमें क्या मिला, ये हमें क्या मिला है qx। अब जो हमें qx मिला है इसे हमें क्या करने का, फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन कैसे करा जाता है, फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट नंबर के टर्म को और फर्स्ट टर्म के नंबर को दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू, वन टू सा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर टू आना चाहिए और दोनों नंबर को हम प्लस करो या माइनस करो तो हमारा आंसर मिडल टर्म यानी कि क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से होंगे, टू वन जा टू, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, टू आया। अब दोनों को हमें सोल्व आउट करके कितना लाना है, माइनस थ्री, ठीक है। ओके, यहां पर जो साइन हो वो साइन किसे देने की, जो नंबर बड़ा, बड़ा कौन है यहाँ पर टू, तो टू के आगे माइनस की साइन। अच्छा, मैं अगर वन के आगे प्लस लगा दूंगा तो माइनस प्लस माइनस दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, हमें लाना कितना है माइनस थ्री, तो यहाँ पे वन के आगे भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, टू एक्स स्क्वायर, ये जो मिडल टर्म आपको दिखाई दे रहा है इस मिडल टर्म की जगह पर हमें ये दोनों नंबर लिखना है, माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स है तो वन को हमें लिखना नहीं है एक्स, और ये प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब एक दो तीन चार, चार टर्म है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दो दो की पेयर बना देंगे, एक दो की पेयर ये हो गई, दो की पेयर ये हो गई। अब यहां पर टू है, यहां पर भी टू है, सेम दिख रहे हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉमन निकालने हमें, दोनों में सेम क्या दिख रहे हैं हमारे पास, एक्स है, और दूसरी चीज क्या सेम दिख रही है हमें, टू, तो टू को भी हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। काउंट्स बना दो, यहां पर हमारे पास 2x और यहां पर हमारे पास 2x स्क्वायर, तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, दैट्स ऑल राइट, यहां x स्क्वायर है, यहां पर x है, दैट्स ऑल राइट। अब हमें यहां पर x की कितना है 2, यहां पर x कितना है 1, मतलब 1x कम पड़ रहा है, उसे हम क्या लिख देंगे अंदर की तरफ, यहां पर माइनस के साइन क्या लगाएंगे, माइनस के साइन। अब यहां पर हमारे पास है 2x और बाहर की तरफ भी हमारे पास 2x, दोनों को बाहर निकाल लिया, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, करेक्ट है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी करेक्ट है, कुछ भी कम पड़ रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर साइन कौन सी है, माइनस की, तो हम क्या करेंगे माइनस की साइन लगाएंगे। ये जो ब्रैकेट आया उस ब्रैकेट को एज इट इज सेम टू सेम हम क्या करेंगे वापिस से लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट हमारे पास आया
एज इट इज हम क्या करेंगे, इसे वापस से लिख देंगे, लिख दिया। अब ये जो दूसरी नंबर की जोड़ी है और ये दूसरे नंबर का जो ब्रैकेट है, इसे सॉल्व आउट करना है। यहां पर x है, यहां पर x है, कुछ भी नहीं कम पड़ रहा, सब कुछ एकदम सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। अब जो ब्रैकेट हमारे पास दो बार है उसे हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो x-1 दो बार है, इसे हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। और जो दूसरा ब्रैकेट है, यहां पर 2x है, यहां पर -1 है, ये क्या हो जाएगा, 2x-1 = 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोनों के इक्वल्स टू में 0 रखो, x-1 = 0, 2x-1 = 0। ठीक है, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी -1 है, उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x। तो 2 जो मल्टीप्लाई में, वो कहां चल जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो हमारे पास 4 जीरो मिल गए, एक हमारे पास √2, एक हमारे पास -√2, और एक हमारे पास 1, और एक हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। सबसे पहले हमने क्या कि स्टेप नंबर 1 में px फाइंड किया, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। स्टेप नंबर 2 में हमें सबसे पहले स्टेप 3 में हमें डिवाइड करना रहता है। तो डिवाइड करने के लिए हमें अंदर की तरफ px चाहिए, बाहर की तरफ gx चाहिए। तो px तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, gx। तो हमने क्या किया, gx फाइंड किया, वो कहां से मिलेगा हमें, यहां पर से, यहां √2 और ये -√2, तो दोनों के साथ क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो gx = x+√2 और x-√2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x और x, x² ± √2 √2 हो गया। अब इसे जो काउंट था, ये सही नहीं है, इक्वेशन सही नहीं है, इसे सुधारने के लिए हमने क्या किया, यहां पर 1 डिग्री वाला टर्म गायब था, तो उसे हमने लगा दिया x² + 0x - 2। यह हमारा स्टेप नंबर 2। उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये रहा, जिसे हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। अंदर की तरफ हम क्या लिखेंगे, px, और बाहर की तरफ हम क्या लिखेंगे, gx। ठीक है, तो gx लिख दिया हमने, और आगे की तरफ px लिख दिया। इसे हमने सॉल्व किया, यहां तक हमें सबको आता ही है। यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व किया, x² आया, ये दोनों टर्म क्या हो गए, हमारे कट हो गए। उसके बाद यहां पर -2 को हमने नीचे उतार दिया। अब अगेन थर्ड बिल्डिंग को सॉल्व आउट हम जब करेंगे, यहां पर x², यहां पर x², सब कुछ सेम है, किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, +1, और x² को हमने नीचे उतार दिया। अब x² के बाद x डिग्री वाला टर्म आना चाहिए, लेकिन यहां पर x डिग्री वाला टर्म वो क्या हो चुका है, कट हो चुका है। तो क्या अब क्या करना, तो यहां पर जो ये x डिग्री वाला टर्म है, इसकी साइन और ये x डिग्री वाला टर्म, ये दोनों को छोड़ देने का, इनको काउंट करने का नहीं, फिर डायरेक्ट यहां से सॉल्व करने का, -+ क्या हो गया, -2 × 2, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों भी कट हो गए 0। हमारे पास qx जो मिला ऊपर की तरफ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, qx कितना मिला, 2x² - 3x + 1, और rx रिमाइंडर वो कितना मिला हमें, 0 मिला। हमें qx ढूंढना है, क्योंकि लास्ट स्टेप नंबर 4 में हमें जो qx मिला उसका क्या करने का है, फैक्टराइजेशन। स्टेप नंबर 4 जो हमें 2x मिला, qx मिला 2x² - 3x + 1, ये जो qx था इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 1, 2 = 2, ऐसे दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, दोनों को प्लस करो या दोनों नंबर को माइनस करो तो 3 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से सोचे, एक तो 2 और एक तो 1। 2x² - 2x - 1x + 1, देखो 2 × 1 = 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आया, यहां पर -2 - 1, तो -, दो और एक कितना हो गया, 3 हो गया। एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, ये दोनों के अंदर से x कॉमन निकाला और 2 को कॉमन निकाला, तो 2 और x बाहर आ गए, अंदर क्या बचा हमारे पास, x - 1। माइनस की साइन थी, माइनस लगा दिया। इस ब्रैकेट को वापस से हमने रिपीट कर दिया, यहां पर x, यहां पर x, कुछ भी नहीं कम पड़ रहे, तो क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हमने आगे क्या देखा कि जो दो ब्रैकेट दो बार था उसे एक बार, x-1 दो बार था उसे हमने एक बार लिख दिया। यहां पर 2x, यहां पर -1, ये क्या हो गया, 2x-1 = 0। इसके इक्वल्स में भी 0 लिखा, इसके इक्वल्स में भी 0 लिखा।
अब माइनस वन उधर चले जाएगा प्लस वन, ये माइनस वन उधर गया प्लस वन, अपने को सिर्फ x चाहिए, तो जो 2 है मल्टीप्लाई में वो कहां चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू 1 अपॉन में 2 मिली। हमें चार जीरोस ढूंढने थे, दो जीरोस दिए हुए थे, एक रूट टू और एक माइनस रूट टू, और दो हमने ढूंढ लिया 1 और 1 अपॉन 2। qx फाइंड करना जरूरी है, qx के ऊपर से हमें क्या करने का, फिर फैक्टराइजेशन करके दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेने की। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और एक और बात की अगर आपके कांटेक्ट में कोई 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर उनकी स्टडीज अभी तक चालू नहीं हुई है, तो ये वीडियो उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।